नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल से। आज दिल से मैं आपकी मुलाकात उस शख्स से कराऊंगा जो हमेशा दिल से बात करते हैं। इसके कारण कई बार उनको विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, पॉलिटिकल झटके लगते हैं, लेकिन हमेशा दिल से बोलते हैं क्योंकि वो वास्तव में पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिक्स में आए हैं पत्रकारिता से। मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा से। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बहुत बहुत नमस्कार अजय त्रिपाठी जी। जब दिल से बात करते हैं तो कई बार लगता है कि प्रभात जी दिल से कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। नहीं, सवाल ही नहीं जी। दिल और दिमाग दोनों पर नियंत्रण रहता है जी। राजनीति की बदलती प्रकृति में आप सब लोग हिसाब किताब लगाते हैं जी प्रभात। और हिसाब किताब जब लगाते हैं तो लोगों को लगता है कि इन्होंने इसके अनुरूप नहीं बोला, इसके अनुरूप नहीं बोला। और मैं हिसाब किताब कभी नहीं लगाता। मैं मन से, आपकी भाषा में दिल से, मन से काम करता हूं, दिल से जुड़कर काम करता हूं। इसलिए मुझे इन सब चीजों पर कभी कोई झटका नहीं लगा और ना कोई खटका लगा। हम बहुत सामान्य परिवार के लोग हैं। जन सेवा का व्रत मैंने दिल से लिया है, मन से लिया, इसलिए कभी कोई झटका वटका। इसीलिए कई बार आप की भाषा में कहें कि पोखरण विस्फोट होता है उसके बाद भी प्रभात जी अडिग रहते हैं। देखिए, अपना काम है काम करना, लेकिन कोई बात होती है तो मैं तत्काल इसलिए कहता हूं कि मूल में सच के करीब रहना चाहिए जी। और जनता में उसी की छवि रहती है जो सच के करीब रहता है। जनता को बरगला नहीं सकते आप। एक घंटे बरगला सकते हैं, तीन घंटे बरगला सकते हैं, लेकिन 30 दिन और 3 साल नहीं बरगला सकते। प्रभात जी, आपके पास पंजाब का प्रभार है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि सिद्धू जैसे नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। आपकी चुनौती क्या दृश्य बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जब चर्चा करते हैं तो इस पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है कि हम व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, 11 वर्ष से अटल बिहारी वाजपेयी हम सबके नेता आज भी हैं, बिस्तर पर है। लेकिन बिस्तर पर जाते उन्होंने क्या कहा कि मैं बिस्तर पर हूं, पार्टी को स्वस्थ रखना। यह पार्टी व्यक्ति के नेतृत्व में काम करती है, व्यक्ति आधारित नहीं है। इसकी स्पष्ट कल्पना के कारण सिद्धू का एक महत्व था, लेकिन तब तक ही था जब तक वो भाजपा में थे। अब वो जहां जाए, बिना भाजपा की यदि मैं सोचूं कि मेरा अस्तित्व, आज मुझे मेरा इंटरव्यू क्यों लेने आया, इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद हूं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, मध्य प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष हूं। अन्यथा तो बहुत सारे लोग भाजपा में काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है अजय जी कि व्यक्ति का महत्व उसके व्यक्तित्व से हो सकता है, लेकिन पार्टी बिना उसका व्यक्तित्व समाज के धरातल पर नहीं आता। पर कई बार पार्टी का कृतित्व जिस तरह का प्रेजेंट किया जा रहा है कि पंजाब में अच्छा नहीं है। कल ही आपके सामने एक सर्वे आया, उसमें नंबर एक पार्टी और सरकार बनाने की संभावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल दिख रही है। हमने तो सर्वे किया नहीं और उस चैनल का नाम आपके चैनल पर लेना ठीक नहीं है जी। लेकिन जितने सर्वे आए कल और जितने पेपर में आज बातें आई हैं, उसमें सबने कहा है कि फिर से वहां पर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल गठबंधन की सरकार बनेगी। कई बार ऐसा लगता है कि प्रभात जी पे पार्टी भरोसा करती, प्रभात जी भरोसे पे खरा उतरते हैं और फिर प्रभात जी साइडलाइन हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें राजनीति की, मैं आप बताऊं, बहुत हल्की बातें हैं जी। साइडलाइन तो भगवान करता और व्यक्ति समझता है, कोई व्यक्ति कर रहा है जी। और भगवान को जिस दिन, अच्छा कोई ऊपर जाता है तो कोई आदमी उसको ऊपर पहुंचा देता है क्या? ये सब भगवान की लीला है। अपना कृत्य करते रहिए, कर्म की भूमि पर कर्म करते रहिए। भाग्योदय होगा तो होगा, भाग्य डूबना होगा तो डूबेगा। सबकी तमन्ना पूरी नहीं होती, और जिसकी पूरी होगी उसकी तमन्ना कोई अधूरी रहती नहीं जी। पर पंजाब का वो जो बात करिए, पंजाब की इमेज भी तो इस तरह से आपकी सरकार रही अकाली दल के साथ, जिस तरह से खराब हुई, उसका रिजल्ट पे असर नहीं पड़ा? नहीं नहीं नहीं, कोई खराब, देखिए सब सत्ता में रहते हैं जी, तो सत्ता में रहने वाली पार्टी के साथ आरोपों की बौछार सदैव चलती है और चलना भी चाहिए। और 10 साल हो गए वहां पर सरकार को। पिछली बार भी जब चुनाव हो रहे थे तो लोग कह रहे थे ना, गई अकाली, गई अकाली, फिर आई अकाली, फिर आई भाजपा। इसलिए ये लोग क्या कहते हैं इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम को करते रहना। पर मोदी जी का जादू ऐसा लग नहीं रहा कि धीरे धीरे फीका पड़ रहा है, तो उसका असर तो पड़ेगा पंजाब पे ना? देखिए, मोदी जी का जादू कहां फीका पड़ रहा है? आपके शहडोल में फीका पड़ा क्या? आपके नेपानगर में फीका पड़ा क्या? देश में कहीं पर भी, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, नगरीय निकायों के चुनाव हुए, कहीं फीका पड़ा क्या? सवाल क्या है कि ये चुनाव से फीका पड़ना आज देश नहीं विश्व कहता है कि निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री पहली बार भारत में बना है जी। ये क्यों कह रहा है? फाइल को इधर इस दफ्तर से उस दफ्तर भेजने वाला नहीं है, निर्णय लेता है।
और इसलिए मुझे लगता है देश की आवश्यकता बनकर उभरे हैं वो। कि नोटबंदी से जो माहौल बना है उसका क्या असर पड़ेगा? नोटबंदी पे आपने कल भी सर्वे देख लिया, 8% लोग यूपी में नोटबंदी के विरोध में है और तब से शेष सारे सब समर्थन में है। नोटबंदी एक आर्थिक मोर्चे पर भारत को मजबूत करने की लड़ाई का पहला पादान है और ये आंदोलन है, सबको आना पड़ेगा इसमें। मैं तो कांग्रेस की राजनीतिक समझ पर, नासमझी पर मुझे तरस आता है। आजादी की लड़ाई में सब एक थे तो इस आर्थिक आजादी की लड़ाई में भी सबको एक होना है। भारत को मजबूत देखना चाहते हैं तो सबको आना चाहिए। पर कई बार लगता नहीं कि पूरी बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री सब दिल से प्रधानमंत्री के साथ है नोटबंदी के मुद्दे पे? दिल से, सब दिल से हैं, देश की जनता दिल से है। 15 लोगों से चर्चा होगी, 10 उसमें बोलते हैं नहीं नहीं अच्छा हुआ, हमें तकलीफ हो रही है, देश को अच्छा होगा, देश पहले है, व्यक्ति बाद में। जिस देश के नागरिकों में यह समझ हो जाए कि नागरिक बाद में भारत पहले, इससे बड़ी बात हो क्या हो सकती है। इसका मतलब निर्णय मनानुकूल है, जनानुकूल है। आप मध्य प्रदेश की राजनीति से हैं, मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, केंद्र में मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा रही है। किसने कहा आपको? पॉलिटिकल दृष्टि से मैं बताता हूं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन सा चीफ मिनिस्टर है? शिवराज सिंह चौहान। नीति आयोग में सभी मुख्यमंत्रियों को लीड कौन करता है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लीड कौन कर रहा है? शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड के महामंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। इसके पहले महामंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। कैसे कह रहे हैं आप? कैलाश विजयवर्गीय केंद्र में नहीं है क्या? प्रभात झा केंद्र में नहीं है क्या? हमारी बैतूल की सांसद वो केंद्र में नहीं है क्या? सारे लोग केंद्र में है। प्रहलाद पटेल केंद्र में नहीं है क्या? राकेश सिंह केंद्र में नहीं है क्या? कहीं से ही ना, ये बात सही है कि नेता एक ही होता है। जैसे देश के नेता नरेंद्र मोदी हैं, ऐसे ही प्रदेश के नेता शिवराज सिंह चौहान। सरकार के प्रशासनिक फैसलों में अगर हस्तक्षेप आरएसएस का होता है तो थोड़ा सा ये गलत जानकारी है। अब आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी संघ के प्रचारक रहे जी, संघ के विभाग प्रचारक रहे, और वो व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बना है तो क्या कहेगा मैं संघ का नहीं हूं? शाखा में माटी के, बचपन से माटी में खेलते हैं, संस्कार देते हैं। अब कोई ये कहे कि आप नरेंद्र मोदी जी संघ कब छोड़ेंगे तो ये सवाल भी अच्छा नहीं है और न वो कहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये सवाल बेबुनियाद सवाल हो जाता है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये एक परसेप्शन बनाया जाता है कांग्रेस के द्वारा, और ये पहले तो क्या है, आरएसएस के दफ्तर में सूची जाती है एडिशनल एसपी के तबादले के, कलेक्टर के, बहुत निराधार, बहुत निराधार। संघ अपने उद्देश्य में 1925 विद्यादशमी से डॉक्टर हेडगेवार जी के नेतृत्व में चल रहा है। आज भी जो संघ तय करता है, संघ सामूहिकता का नाम है, संघ संस्कार का नाम है, संघ वंदे मातरम का नाम है, संघ जनगणमन का नाम है, संघ संस्कृति का नाम है, संघ प्रकृति का नाम है, संघ भारत के हिंदुत्व का नाम है। इसलिए संघ प्रेरणा का केंद्र है, हम सब लोग उसको मानते हैं। संघ वो एक धुरी है जिसमें कि तमाम तिरस्कारों के बावजूद प्रभात झा जैसे लोग अभी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। संघ हमारे लिए तो प्राण है, जैसे जीवन के लिए सांस वैसे सामाजिक क्षेत्र के लिए संघ। जो हमने संघ को अंगीकार किया, संघ के पास, संघ हमारे पास नहीं आया था, हम संघ के पास गए थे, और इसलिए संघ कभी नहीं रोएगा, हम रोएंगे। संघ रक्षक है, संघ कवच है, संघ मजबूती प्रदान करता है, संस्कार देता है। या तो मां संस्कार देती है या हम लोगों को संघ ने संस्कार दिया है। प्रभात जी, बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा लेकिन समय होगा फिलहाल छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे तो आपसे बहुत सारी बातें और करेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं दिल से और हमारे साथ बने हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मध्य से भाजपा सांसद प्रभात झा। प्रभात जी, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। प्रभात झा का मध्य प्रदेश आना थोड़ा सा मतलब सार्वजनिक तौर पर कम हो गया, मतलब बुलाना कम कर दिया आपने, आना कम कर दिया। मैं हर कार्य समिति में रहता हूँ, हर मीटिंग में रहता हूँ, इंदौर के प्रोसीजर, आपसे मिलना कम होता है इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी, लेकिन मैं पार्टी अध्यक्ष तो हूँ नहीं, पार्टी अध्यक्ष तो नंद कुमार जी है। आप अगर कैलाश जी से पूछेंगे या मेरे से पूछेंगे तो ये तो सवाल क्या है, जो दायित्व मिलता है वो करना चाहिए, और यही संगठनात्मक बोध होता है कि अनाधिकृत अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मैं जो कुछ हूं, शून्य से शिखर तक जहां भी हूं, पार्टी के कारण हूं, इसका बोध
मुझे उसी तरह है जिस तरह अन्य चीजों का बोध है। पर वही सवाल फिर वो है ना कि इन लोगों ने बुलाना कम कर दिया, प्रभात जी ने आना कम कर दिया। सवाल ही नहीं है, आवश्यकता अनुसार सभी बुलाया जाता है, न बुलाए तो अच्छा, बुलाए तो अच्छा, ये संगठन के ऊपर निर्भर करता है, इसमें कोई मापदंड नहीं है जी। ना अपेक्षा है ना उपेक्षा का भाव पैदा होता है। ये देखिए राजनीति में लोग ना समझी से आ जाते हैं, कोई काम नहीं इसलिए, इसलिए उनको सदैव लगता है कि अरे यार उपेक्षा हो रही, अरे अपेक्षा पालते क्यों हो? तिरस्कार वो समझता है जिसको पुरस्कार की आकांक्षा होती है। समाज में आपके प्रति सद्भावना रहे इसकी कोशिश सदैव करते रहना चाहिए। पर आपका जो कार्यशैली है उसमें कार्यकर्ता तो आपसे आके मिलते होंगे, कार्यकर्ता तो दुखी मध्य प्रदेश में। किसने कहा आपको? सबको प्रसन्न कर नहीं सकते और सब दुखी रह नहीं सकते। सरकार है ये मानसिकता बहुत बड़ी है, करिए समाज का काम, कौन मना करता है? अस्पताल के काम से, शिक्षक के काम से, सड़क के काम से, सेवा के काम से, पानी के काम से, बिजली के काम से, सिंचाई के काम से, कोई रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। जी एक बात बड़ी दावे से कही जा रही है पूरे पब्लिक क्षेत्र में और समाज में कि क्योंकि कांग्रेस नहीं है इसलिए बीजेपी मजबूत है, तो इसमें हमारा दोष क्या है? हम तो और मजबूत हो जाएंगे, कांग्रेस तो कहीं नहीं है। और कांग्रेस हो तब क्या हम सरकार में नहीं आए थे? हम दिग्विजय सिंह जी के रहते हुए भी सरकार में आए थे, उनको हटा कर आए थे जी। और हमेशा सत्ता पक्ष चाहता है कि विरोधी कमजोर हो, लेकिन कांग्रेस तो अब विरोध के लायक भी नहीं बची है, न वो सत्ता की भूख से दूर हट पा रही है, न विपक्ष की भूमिका तय कर पा रही है। तो वही तो लोग कह रहे हैं कि तो आपका अपना वजूद तो खत्म होता जा रहा धीरे धीरे, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं है मैदान में। तो अच्छा चलिए हमारा वजूद खत्म, हम क्या करें कांग्रेस के लिए? कांग्रेस में हम जाके काम करें? हम तो कर नहीं सकते। नहीं, आप दिल से ये स्वीकार क्यों नहीं करते कि हाँ हमारा थोड़ा सा गड़बड़ तो है कहीं ना? नहीं 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 नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, विस्तार की अनंत संभावनाओं के बीच शिवराज सिंह के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जहां एक दिया नहीं जलता था, कमल नहीं खिलता था, वहां हजारों कमल गांव गांव में खिलने लगे हैं। ये सारा श्रेय हम लोगों की मेहनत का, कार्यक्रमों का, जितने भी आपके आंदोलन होते हैं। आज भी देखिए ना कितने कार्यक्रम होते हैं, क्यों होते हैं? कांग्रेस सोच कर पा रही? एक नेता बताइए जिसने 13 साल में कहा कि मैं आत्मन अनशन पे बैठता हूं। अपने शरीर की त्याग की भावना जिस दल के लोगों में ना हो, क्या ये क्रेडिट तो प्रभात झा को जाता है जब पार्टी अध्यक्ष, उन्होंने पार्टी को तमाम इवेंट से जोड़ दिया और पार्टी इवेंट इवेंट में टिक गई बस। किसने कहा आपको? आज भी पार्टी गांव गांव में खड़ी है, अखंड प्रवास, और आज भी लोग हमको याद करते हैं, प्यार से कहते हैं कि भाई साहब आप मंडल में आए थे। पार्टी का विस्तार ही हमारे लिए श्रृंगार है। पर वो प्रवास की परंपरा ही खत्म होती जा रही है। नहीं नहीं, लगातार चल रहा है। मेरा प्रवास आपको दिखता था, अन्य लोगों का नहीं दिखता है। वही वही सबको देखना चाहिए, आपके कैमरे की दृष्टि वहां तक भी जानी चाहिए। मेरे से आप सबका लगाव था, हो सकता है कि अभी जो लोग उनसे लगाव ना हुआ आपके, नहीं लगाव, लेकिन दौरा तो लगातार होता है। पर प्रभात जी लगाव तो दोनों तरफ से होता है। नहीं, अब ये मैं इसमें नहीं जा सकता, मैं थोड़ा मीडिया का फेम भी रहता हूँ, मीडिया वाले भी मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनके बीच का रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन प्रवास तो अखंड चल रहा है। प्रभात जी की आपके अब तक की प्रगति से कितना संतुष्ट पाते हैं अपने आप? देखिए मैं तो सामान्य परिवार, बंबई से भागा था इमरजेंसी में आपातकाल जी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई पहरेदार नहीं, संपर्क में आया संघ के कृष्ण मुरारी मोगे तरणेकर जी गवाह हैं, ये भूमिगत थे, पता कर लीजिए मोगी जी से। हम तो अपना काम करते रहे, संपर्क बढ़ता गया, संस्कार बढ़ता गया, विश्वास बढ़ता गया और कार्य में लगते रहे। मुझे पता ही नहीं पड़ा कब मैं 16 साल का था, कब 18 साल का था, कब 30 साल का हुआ, कब 25 साल का हुआ, स्वदेश में 16 साल कैसे खप गए मुझे पता ही नहीं कब चला। ये सब जीवन में जुनूनी क्रम रहता है। और आज भी उम्र जरूर हुई है 59, लेकिन मैं आज भी काम के प्रति सदैव सचेत रहता हूं, लगता है कितना कर सके। कहीं मैं इस बात का मलाल नहीं होता कि आपने इस जुनून में सब कुछ, अपना खुद का सब कुछ हासिल कर दिया, चाहे समाज हो, परिवार हो, क्या होता है ये सब नहीं करेंगे तो जो आज पार्टी में आपकी स्थिति बनेगी क्या? कुछ खोने के बाद ही कुछ प्राप्त होता है। सामाजिक स्थिति प्राप्त करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, पारिवारिक प्रतिष्ठा तो कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, और इसमें परिवार की भूमिका होती है। मेरी पत्नी हो, मेरा बेटा हो, मेरे बहू हो, मेरे माता पिता हो, सबका असीम सहयोग। आप सबको आश्चर्य होगा कि मैंने आज तक अपनी पत्नी के साथ बाजार नहीं देखा। वही मैंने कहा कि आप तो हमेशा नॉन कॉपरेशन की भूमिका में रहे, वो इसीलिए उनके कॉपरेशन, उनका साइलेंट मूवमेंट मेरे साथ साइलेंट सहयोग था कि नहीं मेरे पति यदि काम करते हैं तो करते रहेंगे। उन्होंने कहा समाज पहले, मैं बाद में हूं,
ये समझ परिवार में आना, ये संघ का संस्कार ही तो कहेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि सबके असीम सहयोग से, समाज के एक एक व्यक्ति, एक एक नातेदार रिश्तेदार के सहयोग से मैं जहां पर भी पहुंचा हूं उनमें उनका सहयोग है। बिल्कुल प्रभात जी, आप जहां पहुंचे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आखिरी की मिशन 2018 क्या प्रभात झा की वापसी होगी फिर से? देखिए, फिर ये बहुत छोटा सवाल है, मैं गया कब हूं, मैं आज भी कार्यकर्ताओं के बीच में हूं। ये सवाल उनसे किया जा सकता है जो गए हूं। कार्ड में पिछली बार 2012 में भी सीएम के साथ 172 कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया था। मैं तो सदैव पार्टी में हूं, मध्य प्रदेश मेरा घर है, यहां न वापसी का है न जाने का है, इसलिए ये सवाल ही मुझे लगता उचित नहीं है। फिर आप कोई कार्यकर्ता तो आज भी आपको अपना मानता है, नेतृत्व तो मानने को तैयार हो? कौन कहता है आपको? शिवराज जी हाथ पकड़कर लाए थे अध्यक्ष बनाने के लिए, मैं तो केंद्र की राजनीति, हाथ पकड़कर छोड़ा है नहीं, सवाल ही नहीं है। परिस्थितियां होती हैं, आज मेरी आवश्यकता होगी कल नहीं, जिस प्रकृति की, जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति चाहिए उसकी आवश्यकता होती है। संगठन की इतनी समय यदि नहीं है तो राजनीति में काम नहीं करना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगर मुझे सफाई का काम मिले तो मैं वाल्मीकि समाज को मात दूं, इस तरह मेहनत करूं। कार्य की समझ होनी चाहिए, संगठन का आदेश मैं ईश्वरीय आदेश मानकर काम करता हूं। निश्चित रूप से प्रभात जी, आप ईश्वरीय आदेश मानते हो और आप ऐसे ही आदेश मान के पार्टी के लिए काम करते रहिए। मिशन 2018 में आप फिर आए, फिर आए छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रभात जी के परिवार से। ब्रेक में फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं दिल से और दिल से मैं आप मुलाकात कर रहे हैं प्रभात झा से। मेरे साथ हैं प्रभात झा का छोटा बेटा है अनियत झा, उनकी पत्नी है रंजना जी, नमस्कार भाभी जी, और उनकी बड़ी बहू है श्वेता। सबसे पहले भाभी आपके पास आऊंगा। प्रभात जी को हम लोगों ने, चूंकि हम लोगों ने साथ में काम किया है, उनके नेतृत्व में काम किया है, घर और तो कभी देखते नहीं थे, आज भी वही प्रभात जी बने हुए, तो आप कैसे, उन्होंने कहा कि बहुत कॉपरेट करती हैं, आप कैसे एडजस्ट कर पाती इतना? बहुत एडजस्ट कर लेती हूँ, अब बच्चे दोनों बड़े बड़े हो गए, बहू आ गई तो एडजस्ट कर लेती हूँ। तो अपन अपन सबके क्षमता रहते हैं करने की, जो कैसे घर चलाना है, कैसे परिवार चलाना है, उनको आगे भेजना है। आज अच्छा, आज जो प्रभात जी इतने, तो आप उनकी चीजों को कैसे, उनको, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज मैंने दिखाई कि उनको खाने पीने बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी पसंद है कि आज भी वो आपके हाथ की तारीफ करते हैं, तो कैसे वो बना पाती होंगी, उनको क्या पसंद आता प्रभात जी को? वैसे पसंद में तो जो भोजन में बनते हैं वही बनाती हूँ, कुछ विशेषता रहते हैं जो बिहार में कुछ ऐसे चीज बनती है। अनियत, आपने पिताजी को, मैं आपको जब आप छोटे थे तब से देखा हमने आपको, आप लोग तो जब समझदार हुए तो प्रभात जी की व्यस्तताओं के बीच कहीं महसूस नहीं होता है कि यार बाकी पिताओं की तरह उंगली पकड़ के स्कूल नहीं ले गए कभी नहीं? इतना समय उनको परिवार को देना चाहिए था, उतना बिल्कुल दिया जी, बट समाज को भी देना था, आज समाज को भी समय दिया, परिवार को भी दिया, दोनों को बराबर लेते हुए चलते रहे तभी आज यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। पिछले एक दशक की बात करें, 10 साल की बात, उसके पहले प्रभात झा जब थे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा नाम था पत्रकारिता में, जब आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे या कहीं जाते होंगे तो एक चस्पा रहता हो कि यार प्रभात जी का बेटा है, प्रभात जी का बेटा है। वो तो थोड़ा रहता ही है जी, वो तो हर राजनीति, जो राजनीति में जिनके पिताजी हैं उनके पुत्र के साथ रहता ही है, बिल्कुल मेरे साथ भी रहा। ये जवाब श्वेता से लेता हूँ। श्वेता, आपको कभी लगता नहीं कि पापा, क्या बोलती हैं आप? बाबा बोलते हैं। बाबा, कभी लगता नहीं कि बाबा आज कम से कम पिक्चर दिखा लाए? नहीं, घर में ही हम सब बैठ के, मतलब पिक्चर तो हम लोग ज्यादा जाते नहीं है, तो घर पे ही बैठ के मौज मस्ती जो होता है, फैमिली टाइम जो स्पेंड करना होता है वो कर ही लेते हैं। बाबा ने मुझे हमेशा, जब से शादी कर आई हूँ, बेटी ही माना है, तो जैसे मैं अपने पिता से, जिस जैसा व्यवहार था मेरे पिता से, वैसे ही बाबा के साथ ही रहा है। माँ से भी, माँ का रिश्ता है जैसे मम्मी के साथ रिश्ता है वैसे ही, तो कभी बहू वाली फीलिंग तो मुझे इस घर में हुआ ही, मिला ही नहीं है। छठ पड़ता है, बड़ा त्योहार आता है, तो कभी कि अपनी साड़ी वड़ी लेके आते हैं, दिलाते हैं कि चलो मैं दिलाता हूँ आज? नहीं, हम लोग ले आते हैं, उनको इतना समय नहीं मिलते थे, अगर घर परिवार में जो इतना समय देते तो फिर यहाँ तक नहीं आते कभी, मतलब जब बहुत परेशान होते हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में रोज नहीं चीज आती रहती। हम लोग क्या शेयर करेंगे, हम लोग नेता है, जहाँ उनको करनी चाहिए शेयर वहाँ करते हैं, हम लोगों से कभी नहीं करते हैं। आपको लगता नहीं कि नेतागिरी में आना चाहिए धीरे से? नहीं, मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है, और राजनीति में कोई आया नहीं जाता है, ना कोई लाया जाता है। बड़े भाई साहब इच्छा रखते हैं, अगर रहा तो आएंगे बिल्कुल जी।
अच्छा बाबा के लिए कभी आपको जब बाबा बहुत दिन बाद आते हैं भोपाल आते हैं तो कुछ बना बना के रखती है आज बाबा के लिए? मैं बनाती हूँ, चलो हाँ, क्या बनाती? क्या बनाती हैं? जो मनपसंद बाबा को खाने रुचि रखते हैं, थोड़े पकौड़े ये सब अच्छा लगता है, चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं उन्हें। तभी स्वास्थ्य के कारण वो सब नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन जब बाबा आते हैं तब कुछ ना कुछ स्पेशल डिश बनती ही है। बाबा की डिमांड होती कभी? क्या डिमांड होती रहती है, जब जब खाना होता है उन्हें तब, मन जब होता है तब बोलते हैं बाबा। आपका सपना क्या है बाबा क्या बने? आपको मन क्या कहता है? आप घर में सबसे छोटी हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि बाबा का जो सपना है वो ही मेरा सपना है। बिल्कुल, आप लोगों का श्वेता आपका सपना जो है और बाबा का सपना पूरा होगा, आपका सपना जो है वो पूरा होगा। प्रभात जी के प्रति हम लोग भी प्रभात जी की आंखों से सपने देखते हैं, प्रभात जी के सारे सपने पूरे हों, हम सबके सपने पूरे होंगे। आपने हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था प्रभात झा का परिवार। प्रभात झा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनका परिवार चाहता है कि प्रभात जी व्यस्त रहें, काम करते रहें, पूरी फैमिली के साथ खड़ी है और शायद प्रभात जी की यही बहुत बड़ी ताकत है। जैसी पत्नी थी वैसे बेटे और वैसी बहू, पूरा परिवार उनको सपोर्ट करता है और शायद इसीलिए प्रभात जी आज सारी चिंताएं छोड़ करके राजनीति के उस नक्शे कदम पर आगे बढ़ते जा रहे हैं जहां बहुत सारी दलदलें होती हैं, उसके बाद भी प्रभात झा अडिग बने हुए हैं। हमारी शुभकामना के साथ हैं, ये प्रोग्राम बस यहीं तक, अगली बार किसी नए शख्स से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए देखते रहिए IBC 24।